Today, we will talk about some concepts which are relating to communication. Let's talk about frame of reference. Each person has a stored experience of beliefs and values as an individual and also as a member of the society. This provides the background of stimulation which influences a person's behavior in a particular situation. And this is called as individual's frame of reference. होता क्या है? हमने पिछली बार डिस्कस किया था कि आपकी लाइफ के अंदर अगर एक पर्टिकुलर टाइप का एक्सपीरियंस है तो आप उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे बहुत सारी चीज़ों को कम्युनिकेट कर सकते हो और बहुत सारी चीज़ों के कम्युनिकेशन को समझ सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर अ ग्रोन अप एडल्ट आफ्टर द एज ऑफ 25-28, देन आपको सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज से समझ में आना लग जाएगा कि वो कितना ज़्यादा गुस्से में है या वो कितना ज़्यादा हैप्पी है या उससे इस वक्त बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए. ये चीज़ जो है, ये जब आप यंग होते हो, आपकी एज कम होती है, तो आपको ये चीज़ जल्दी समझ में नहीं आती क्योंकि ये चीज़ कोई आपको सिखाता नहीं है. ये आपको अपने खुद के एक्सपीरियंसेस से सीखना पड़ता है, ठीक है ना? देखो, जो भी इंडिविजुअल होता है उसकी लाइफ में कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं, कुछ बिलीव्स ऐसे होते हैं, कुछ वैल्यूज ऐसे होती हैं जो कि उसने अपने एक्सपीरियंस से और एज अ मेंबर ऑफ द सोसाइटी होते हुए वो चीज़ें उसने अपने हिसाब से सीखी हैं. अब एक एग्जांपल अगर हम लें तो वी से विक्ट्री का साइन जो होता है हमारे हिंदुस्तान के अंदर, वो वी से विक्ट्री होता है. लेकिन अगर आप कुछ कंट्रीज हैं, यूके की कुछ एरियाज के अंदर, अगर आप किसी को वी फॉर विक्ट्री वाला साइन दिखाओगे तो वो ऑफेंड हो जाएगा. तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको कोई सिखाता नहीं है. ये चीज़ें आप जब खुद अपने एक्सपीरियंसेस लेते हो तो आपको समझ में आता है. तो अब सामने वाले का मूड अच्छा है और वो आपको विक्ट्री का साइन दिखा रहा है हिंदुस्तान के अंदर, तो आप समझ सकते हो कि हाँ भाई, पीस ऑफरिंग है. यूके के अंदर सामने वाले का मूड अच्छा है और वो आपको विक्ट्री का साइन दिखा रहा है, तो हो सकता है वो सटायर मार रहा हो. तो ये चीज़ जो है, ताना मार रहा हो. तो ये चीज़ जो है, ये आपके जो एक्सपीरियंसेस होते हैं उनसे आपको मिलती हैं, उनसे आप गेन कर पाते हो इन चीज़ों को. तो ये सारी जो आपकी इंफॉर्मेशन होती है, जो बैकग्राउंड होता है आपका, ये आपके बिहेवियर को हर सिचुएशन के अंदर आपको जो बिहेवियर होता है उसको मॉडिफाई करता है, उसको यूटिलाइज करने की कोशिश करता है. ये सारी जो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है, आपका सबकॉन्शियस जो है, ये इन सारे बिहेवियर्स को एनालाइज करता है और फिर आप एक पर्टिकुलर रिएक्शन देते हो. तो जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, ये इंडिविजुअल के लिए बहुत ज़रूरी होता है और हमारे को इंडिविजुअल का फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझना चाहिए. वो हमारे लिए ज़रूरी है. वो हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर हम सामने वाले का फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझ पाएंगे तभी हम सिचुएशन के हिसाब से कम्युनिकेशन को एनालाइज कर पाएंगे. अगर हमें यही समझ में नहीं आता है कि सामने वाले का नेचर कैसा है, अगर हमें यही समझ में नहीं आता है कि सामने वाले का एटीट्यूड क्या है इस टाइम पे, तो हम सामने वाले के रिएक्शन को सामने वाले के एक्शन के ऊपर इमीडिएटली रिएक्ट कर देंगे और हो सकता है उससे रिलेशंस के अंदर दिक्कत आए, कम्युनिकेशन के अंदर कंफ्यूजन हो जाए. आप समझ रहे हो? फिर बेरलो ने 1960 के अंदर फिडेलिटी के ऊपर एक बात कही थी. Fidelity is the faithful performance of communication process by all its elements, communicator, message, channel and receiver. ये जो चार आपके elements हैं, communicator, message, channel and receiver, तो fidelity जो है ये इन चारों का ढंग का performance अगर हो रहा है तो आपका communication जो है वो अच्छे से ट्रांसफर होगा और सामने वाले को समझ में आएगा और उसके बेसिस पे आपको एक फीडबैक मिलेगा. अब ये जो नॉइज़ है और जो फिडेलिटी है,
ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर आप, जैसे हमने देखा था, नॉइज जो होती है, डिस्टरबेंस होता है किसी ना किसी तरीके का, साइकोलॉजिकल हो गया, फिजियोलॉजिकल हो गया, हमने वो सारे सारे कंसेप्ट देखे थे उस टाइम पे। तो अगर नॉइज कम है तो फिडेलिटी इंक्रीज होगी। अगर फिडेलिटी अच्छी है तो इसका मतलब नॉइज कम थी, ठीक है ना। जैसे ही हम नॉइज को कम कर देते हैं, जैसे ही नॉइज का प्रोडक्शन खत्म हो जाता है, वैसे ही कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ज्यादा अच्छे से सामने वाले को समझ में आने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करो फिजियोलॉजिकल एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, भूख का। सामने वाले को बहुत तेज भूख लग रही है और उसको आप कोई चीज याद करने को कह रहे हो, तो वो चीज पॉसिबल नहीं होगी, उसको वो चीजें याद होंगी नहीं। क्यों? क्योंकि भूख जो है वो एक तरीके की नॉइज है। अब क्या हो रहा है कि आपने उसको खाना खिला दिया, उसका पेट भर गया, उसने थोड़ा सा रेस्ट कर लिया, तो जो फिजियोलॉजिकल नॉइज है वो थोड़ी सी कम हो गई। तो उससे जब फिडेलिटी जो है, जो बाकी के एलिमेंट्स हैं, जो इन कम्युनिकेशन प्रोसेस के जो एलिमेंट्स हैं अपना, ये सारी चीजें जो है, इन सब चीजों के अंदर इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। सेम केस जाता है अगर हम सामने वाले को कुछ सर्टेन टाइप के एक्सपीरियंस दे दें, तो उससे उसको दूसरे लोगों की बात को, उस दूसरे लोगों की सिचुएशंस को समझने में आसानी होगी। द बेसिक कंसर्न रिलेटेड टू नॉइज एंड फिडेलिटी इज द आइसोलेशन ऑफ दोज फैक्टर्स विद इन ईच ऑफ द इंग्रेडिएंट्स ऑफ कम्युनिकेशन व्हिच डिटरमाइन द इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन। जो मेन कंसर्न है नॉइज से और फिडेलिटी से रिलेटेड, वो ये है कि आप जो सारे फैक्टर्स हैं कम्युनिकेशन के, जो इंग्रेडिएंट्स हैं, एलिमेंट्स हैं, उन सब के अंदर इनको इंडिविजुअली आप इंक्रीज कर सकते हो और डिक्रीज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कम्युनिकेटर ही भूखा है, अगर कम्युनिकेटर को ही समझ में नहीं आ रही है कि उसको क्या बोलना है, तो वो जल्दी जल्दी में कुछ भी बोल जाएगा। फिर कम्युनिकेटर ने अपना फिजियोलॉजिकल और वो सारे रोल्स अच्छे से, जो नॉइज है वो रिड्यूस कर लिए, लेकिन मैसेज का जो, मेल का जो तरीका है, मेल में आपने जीमेल से सपोज करो मेल भेजा लेकिन सर्वर क्रैश हो रहा है, वो भी एक तरीके का नॉइज हो गया, ठीक है, चैनल के अंदर। फिर मैसेज के अंदर लैंग्वेज ही नहीं आती है। लैंग्वेज तेलुगु लोगों को अगर आप हिंदी में समझाओगे, या हिंदी लोगों को अगर आप तेलुगु में समझाओगे, तो वो भी एक तरीके की नॉइज हो जाती है ना। और रिसीवर का तो मैं एग्जांपल दे ही चुका हूँ। तो बेसिक कंसर्न जो है, जो कि नॉइज और फिडेलिटी से, वो है कि इन दोनों को हमारे को अलग अलग रखना है, जिससे कि जितनी कम नॉइज होगी उतनी ज्यादा आपकी फिडेलिटी इंक्रीज होगी। कम्युनिकेशन गैप क्या होता है? कम्युनिकेशन गैप जो होता है वो रेफर करता है डिफरेंस बिटवीन व्हाट वाज कम्युनिकेटेड बाय द कंपनी और द सेंडर एंड व्हाट हैज एक्चुअली बीन रिसीव्ड बाय द ऑडियंस। आपने बोला कुछ और सामने वाले को समझ में कुछ आया, इस चीज को अपन कम्युनिकेशन गैप बोलते हैं। ठीक है।
Desirable actions by the audience cannot take place if there is a large communication gap. Understood si baat. The nature of communication gap may be of two types. The message does not reach the target and the message fails to produce the directed impact even if it reaches the target. अब क्या हुआ? कम्युनिकेशन गैप कैसे आया? आपने मैसेज भेज दिया, वो मैसेज पहुंचा ही नहीं. जब मैसेज पहुंचा ही नहीं तो सामने वाला जो बंदा है उसको मैसेज मिला नहीं, तो उसने उसके साथ में सारी गड़बड़ कर दी. फिर ये भी हो सकता है कि आपने मैसेज भेजा, मैसेज सामने वाले को मिला लेकिन उसको मैसेज समझ में नहीं आया. जब मैसेज समझ में नहीं आया तो जो मैसेज का इंपैक्ट होना चाहिए था वो इंपैक्ट हुआ नहीं. आप समझ रहे हो? तो ये जो चीजें हैं ये कम्युनिकेशन गैप को इंक्रीज करती है. आप क्या कर सकते हो? व्हाट कैन यू डू टू रिड्यूस द कम्युनिकेशन गैप? यू कैन टेक द फॉलोइंग स्टेप्स. ओके, व्हेन द मैसेज डज नॉट रीच द टारगेट, the communication must be made available, the communication must be need based, the communication must be in time, and use more than one channel of communication. Minimum 3 channels comprising both mass media and interpersonal may be used simultaneously. Jab message pahunch hi nahi raha hai to aap ye 4 steps le sakte ho. Communication ko available karwao. कम्युनिकेशन को जितनी जरूरत है उतना ही इन्फॉर्म करो. कोशिश करो कि कम्युनिकेशन टाइम से भेज दिया जाए और कोशिश ये करो कि जो कम्युनिकेशन है वो एक चैनल के थ्रू ना भेज के खूब सारे चैनल्स के थ्रू भेजा जाए. When the message fails to produce the impact, जब message अपना impact नहीं कर पा रहा है, message मिल तो गया है लेकिन वो message अपना impact नहीं produce कर पा रहा है, तो आप क्या कर सकते हो? You can use credible channels of communication. जो channel है आपके वो reliable होने चाहिए. Message को आप बार बार भेजिए, repeat करिए उसको, और message को distort होने से बचाइए. डिस्टॉर्ट होने का मतलब, आप जैसे मैसेज आपने भेजा तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैसेज के अंदर कोई मिस्टेक है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैसेज जो है वो जो मैसेज देने वाला है वो गड़बड़ कर रहा है. आप समझे? क्योंकि एक ही मैसेज अगर बार बार जाता है तो उसका इम्पैक्ट आना चाहिए, इसलिए हम रिपीट करते हैं. अखबार में आपने देखा होगा कोविड के केस में हर दूसरे तीसरे दिन फुल पेज पे आ जाता है, मास्क पहनिए, दूरी रखिए. टेलीफोन के अंदर जब भी आप कॉल करते हैं आपको ये हमेशा सुनने में मिलेगा कि मास्क पहनिए, 2 गज की दूरी जरूरी है, ये सारी चीजें है ना. तो जब मैसेज अपना इम्पैक्ट नहीं कर पा रहा है, मैसेज पहुंच तो रहा है लेकिन मैसेज अपना इम्पैक्ट नहीं कर पा रहा है, तो उस केस के अंदर आप अपने मैसेज को रिपीट कर सकते हो और मैसेज के डिस्टॉर्शन को अवॉइड कर सकते हो या प्रिवेंट कर सकते हो. अब इन तीनों को अगर हम डिस्कस करते हैं, क्रेडिबल सोर्सेज जो हैं अपने मैसेज के,
तो क्रेडिबल सोर्सेज अपने चैनल जो हैं मैसेज के कम्युनिकेशन के, वो चैनल्स ये कहते हैं कि आप यूज़ कर सकते हो, टेलीफोन यूज़ करते हो अगर मास को, अगर आपको इन्फॉर्म करना है, अगर आपको एक इंडिविजुअल को, पर्टिकुलर इंडिविजुअल को इन्फॉर्म करना है तो आप लेटर के थ्रू भेज सकते हो। एक एग्जांपल इसमें आया था, यूनिवर्सिटी के पीएचडी स्टूडेंट्स जो थे उन्होंने यूनिवर्सिटीज को बहुत बार इन्फॉर्म किया कि भाई आप एक पर्टिकुलर सिचुएशन है उसको जल्दी से जल्दी हैंडल करिए। तो खूब देर बाद जब ईमेल से भेजने की कोशिश करी तो ईमेल से कोई रिप्लाई नहीं आया, मैसेज पहुंच रहा था क्योंकि ईमेल आईडी करेक्ट था। टेलीफोन से बात करने की कोशिश करी तो टेलीफोन उठाया नहीं किसी ने। जब टेलीफोन नहीं उठाया तो आपने फेसबुक और उसका यूज करने की कोशिश करी, ठीक है, जब आपने फेसबुक और उसकी यूज करने की कोशिश करी तो भी वहां से कोई जवाब नहीं आया। फिर आपने क्या किया, एक रजिस्टर्ड मेल भेजा आपने, जो पर्टिकुलर कंसर्न बनना था उसके नाम पे रजिस्टर्ड चिट्ठी भेजी। तो उससे क्या हुआ, रजिस्टर्ड चिट्ठी जो होती है रजिस्ट्री के थ्रू गई तो आपके पास लीगल प्रूफ हो गया कि हाँ भाई ये चीज गई हुई है और वहां पे पहुंच गई है। भाई ईमेल में बोल सकते हैं कि भाई स्पैम बॉक्स में चला गया, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। फोन में बोल सकते हैं कि आपने लंच टाइम पे कॉल कर दिया था इसलिए किसी ने नहीं उठाया। फेसबुक पे ये हो सकता है कि भाई जो फेसबुक का बंदा हैंडल कर रहा है यूनिवर्सिटी का पेज वो काम का नहीं है ढंग का, तो हो सकता है उसकी वजह से मिस हो गया। लेकिन क्रेडिबल चैनल आपका ये रहेगा उस केस में। मैसेज को बार बार अगर हम रिपीट करेंगे, जैसे अभी बताया बार बार अपन ने रिपीट किया उसी मैसेज को, पहले ईमेल के थ्रू भेजा, फिर टेलीफोन के थ्रू बात करने की कोशिश करी, और फिर हमने फेसबुक वगैरह की उन सब चीजों से बात करने की कोशिश करी, तो इन सब चीजों से क्या हुआ, मैसेज बार बार उनके पास पहुंचा। और डिस्टॉर्शन ऑफ मैसेज, मैसेज की लैंग्वेज बहुत क्लियर रखी हमने, लैंग्वेज के साथ में हमने जो इंडिविजुअल्स थे उनको समझाने की कोशिश करी, ठीक है ना, जो इमेजेस थी वो हमने अच्छे से करे। तो ये सारी चीजें जो होती हैं ये आपकी उस केस में आती है जब मैसेज अपना इफेक्ट नहीं कर पा रहा है लेकिन वो पहुंच रहा है। एक चीज होती है टाइम लैग इन कम्युनिकेशन, लैग मीन्स डिले, वेल कम्युनिकेशन रिड्यूसेस टाइम लैग, द कम्युनिकेशन प्रोसेस इटसेल्फ में इन्वॉल्व सम टाइम लैग। लैग का मतलब होता है डिले, देरी होना। कम्युनिकेशन का जो पर्पस है वो ये है कि वो टाइम से काम कर दे। आप एक्सीडेंट हो गया, आपने एम्बुलेंस को फोन किया, एम्बुलेंस को फोन करने में जब आपने एम्बुलेंस को फोन किया तो फटाफट से एम्बुलेंस आ गई आपके पास, लेकिन कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस खुद भी कभी कभी टाइम ले लेता है। जैसे एम्बुलेंस को बुलाने के लिए आपने अपना फोन निकाला पर एक्सीडेंट हुआ था तो वो फोन स्विच ऑफ हो गया, फोन स्विच ऑफ हो गया तो आपको फोन स्विच ऑन करने में टाइम लगा, आप समझे। सो देर मे बी डिलेज इन गेटिंग द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ मैसेज एंड ट्रीट द मैसेज अकॉर्डिंग टू चैनल रिक्वायरमेंट एंड नीड ऑफ द ऑडियंस।
तो जो डिले है उसको हमारे को ध्यान रखना चाहिए. द कम्युनिकेटर हैज टू रिमेन अलर्ट एंड टेक इन टू कंसिडरेशन ऑल पॉसिबल डिलेज दैट मे अकर ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन प्रोसेस. जो कम्युनिकेटर है उसको ये सारी की सारी चीजें जो है ये ध्यान रखनी चाहिए कि भाई डिले हो सकता है, आफ्टर ऑल जो भी कम्युनिकेट कर रहा है वो है तो इंसान ही, इंसान से डिले हो सकती है, पॉसिबल है ना. अगर आप इस डिले को एनालाइज कर लेते हो, इसको समझ लेते हो, तो आप अपने कम्युनिकेशन को प्लान कर सकते हो काफी एडवांस में, जिससे कि आपका जो मैसेज जो है वो टाइम से आपके ऑडियंस तक पहुंच जाए. और टाइम लैग इन कम्युनिकेशन ये बहुत सारी जगह भी होता है. फॉर एग्जाम्पल, हमें क्लास पढ़ानी है, क्लास पढ़ाने के लिए बहुत सारी चीजें हमें पढ़नी भी पड़ती हैं और उनको प्रिपेयर भी करना पड़ता है पीपीटी में इस तरीके से जिससे कि वो आपको समझ में आ जाए. कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको आरटीपीसीआर का कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करूंगा वर्बली, तो हो सकता है आपको वो समझने में बहुत टाइम लगे. लेकिन अगर वही चीज मैं एनिमेशन के थ्रू अगर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ तो मैं जानता हूं कि आपको कम टाइम लगेगा वो कंसेप्ट समझने में. तो ये जो प्रिपरेशन का टाइम है, ये प्रिपरेशन का टाइम जो है इसको हम टाइम लैग बोलते हैं. इस प्रिपरेशन को अगर हम अच्छे से कर लेते हैं तो ये प्रिपरेशन हमारी आने वाले टाइम को बचाती है. एक बार हमने प्रिपरेशन कर ली तो उस मैसेज को हम बार बार रिपीट कर सकते हैं, है ना. एम्पथी, एम्पथी इज द एबिलिटी ऑन द पार्ट ऑफ वन पर्सन टू अंडरस्टैंड द अदर पर्सन्स इंटरनल फ्रेम ऑफ माइंड एंड रेफरेंस एंड एक्सेप्ट द सेम. एम्पथी क्या है? एक एबिलिटी है एक बंदे की सामने वाले की मेंटल सिचुएशन को, उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस को समझने की और उसे एक्सेप्ट करने की क्षमता. The acceptance does not mean agreement. ये चीज ध्यान रखिएगा. आप सामने वाले की सिचुएशन को समझ रहे हो, वो बात सही है, लेकिन उससे आप एग्री करते हो ये जरूरी नहीं है. Empathy is also defined as the ability of an individual to project oneself into the role of another person. इसको अगर अलग तरीके से हम बोलें तो दूसरों के जूतों में पैर रखना, इसका जो मतलब है वो एम्पथी होती है. अगर आप दूसरों के जूतों में पैर रख के उनके कष्ट समझ सकते हो, उनकी सिचुएशन समझ सकते हो, उनके इमोशन समझ सकते हो, उनका माइंड किस सिचुएशन से गुजर रहा है वो समझ सकते हो, और उनका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, उनकी खुद की नॉलेज कितनी है, उनकी खुद की एक्सपीरियंस कितना है, अगर ये सारी चीजें अगर आप सब समझ सकते हो तो इन सब चीजों को हम एम्पथी बोलते हैं. होमोफिली एंड हेट्रोफिली,
रॉजर्स ने 1995 में एक बात कही थी कि अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन इज दैट द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज अकर मोस्ट फ्रीक्वेंटली बिटवीन इंडिविजुअल्स हु आर अलाइक और होमोफिलस. होमोफिली इज द डिग्री टू विच अ पेयर ऑफ इंडिविजुअल्स हु कम्युनिकेट आर सिमिलर इन सर्टन एट्रीब्यूट सच एज बिलीव्स, एजुकेशन, सोशल स्टेटस एंड द लाइक. ऑन द अदर हैंड, हेटरोफिली इज ऑपोजिट ऑफ होमोफिली एंड इज द डिग्री टू विच पेयर ऑफ इंडिविजुअल्स हु इंटरैक्ट आर डिफरेंट इन सर्टन एट्रीब्यूट्स. हम बोलते हैं ऑपोजिट्स अट्रैक्ट. मैग्नेट के केस में तो ये चीज समझ में आती है कि ऑपोजिट्स अट्रैक्ट. हेटरोफिली मैग्नेट के केस में समझ में आती है. इंसान के केस में जरूरी नहीं है कि ऑपोजिट्स विल अट्रैक्ट. जब आपकी एज यंग होती है तो ऑपोजिट्स अट्रैक्ट. क्यों? क्योंकि आप कुछ एक्सपीरियंस आपके पास हैं जो सामने वाले आप में इंटरेस्टेड होगा, कुछ एक्सपीरियंसेस सामने वाले के पास हैं जिसमें आप इंटरेस्टेड होंगे. तो जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे इंसान का ये रहता है कि हम अपने ही सिमिलर आइडिया ऑफ बिलीफ और एजुकेशन और सोशल स्टेटस वाले लोगों के साथ टाइम बिताएं. क्यों? क्योंकि उससे कम्युनिकेशन आसान हो जाता है. अब आप एक अनएजुकेटेड बंदे को अगर आप कोई एजुकेशन वाला कंसेप्ट समझाने की कोशिश करोगे, फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक अनएजुकेटेड बंदे को वैक्सीन के बारे में समझाने की कोशिश करोगे तो आपको उसको समझाने में बहुत दिक्कत होगी. द हेट्रोफिली इज गोइंग टू इंश्योर दैट द कम्युनिकेशन इज हैम्पर्ड इन सम वे और द अदर. एट द सेम टाइम अगर आप एक बायो वाले बंदे को वैक्सीन के बारे में समझाने की कोशिश करोगे तो हो सकता है वो आपको कुछ आइडियाज और भी दे दे. आप समझ रहे हो? तो होमोफिली क्या हो गया? होमोफिली वो होता है कि जब इंडिविजुअल्स जिनका मेंटल लेवल, एजुकेशन लेवल, जो सोशल स्ट्रक्चर है वो, उनके बिलीव्स, ये सारी चीजें सिमिलर होती हैं. और हेट्रोफिली क्या होती है? हेट्रोफिली होती है जब इन दो इंडिविजुअल्स के बीच में ये जो सिमिलैरिटीज हैं इन सिमिलैरिटीज का गैप बहुत ज्यादा होता है. तो होमोफिली और हेट्रोफिली दोनों ही आपके कम्युनिकेशन को इम्प्रूव या हैम्पर कर सकती हैं. इम्प्रूव अगर सिमिलर कंसेप्ट, सिमिलर एजुकेशन लेवल है तो उनको जल्दी समझ में आएगा. हैम्पर अगर सिमिलर एजुकेशन है तो हो सकता है किसी बात पे भेदभाव हो जाए, किसी बात पे मनमुटाव हो जाए. एडवांटेज उन लोगों का हेट्रोफिली के केस में, सामने वाला हो सकता है आपकी बात में इंटरेस्टेड हो. क्यों? क्योंकि उसको सीखने की इच्छा है, क्योंकि वो आप में जेन्युइनली इंटरेस्टेड है. हैम्पर भाई, सामने वाले को एजुकेशन है ही नहीं, उसको पर्टिकुलर चीज की नॉलेज है ही नहीं, उसका कोई एक्सपीरियंस है ही नहीं, तो वो अपने लेवल पे सोचता है और ये सोच सकता है कि आप को ये चीजें, आप बेकार की बात कर रहे हो.
Let's talk about models of communication. A model is a system of reasoning which helps to clarify a particular situation. The elements in a model are logically placed by the author in such a way that their relationships are easily understood. Communication model helps to organize various elements and processes of communications, generate questions regarding communication that can be researched for answer, help to predict the effect of communication under certain conditions, and indicate means of measuring the elements and the process. Model kya hai? Ek system hai. It is a system. System of reasoning. Okay? And what does this model do? It helps to clarify a particular situation. Koi bhi model jo hota hai, hum lab ke andar koi model banate hain, ya ek projects ke liye agar hum koi model banate hain, to wo एक सिस्टम होता है जो कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन को या किसी चीज को समझाता है ना. सो व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ द मॉडल? द एलिमेंट्स ऑफ द मॉडल आर व्हाटएवर यू आर गोइंग टू पुट इन देम, बट द आइडिया इज दैट ऑल दीज एलिमेंट्स आर सपोज्ड टू बी प्लेस्ड लॉजिकली. अगर हम इन मॉडल्स के एलिमेंट्स को लॉजिकली नहीं रखेंगे तो उनके बीच में रिलेशनशिप समझ में नहीं आएगा. एक एग्जांपल देते हैं, अगर हमारे को दाल बनानी है, सबसे पहले हम दो मुट्ठी दाल लेंगे, उसको प्रेशर कुकर में डालेंगे, प्रेशर कुकर में पानी डालेंगे, फिर उसके अंदर नमक हल्दी डालेंगे, फिर प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करेंगे, फिर प्रेशर कुकर को गैस पर रख के गैस चलाएंगे, फिर सीटी बजने का इंतजार करेंगे. ये जो सारे हैं, ये सारे एलिमेंट्स हो गया, दाल एलिमेंट हो गई, नमक हो गया, हल्दी हो गई, प्रेशर कुकर हो गया, गैस हो गई, ये सारे एलिमेंट्स हैं. मॉडल क्या हुआ? मॉडल ने आप जो टोटल मॉडल था उस मॉडल के अंदर इन सारी चीजों को आपको दाल बनाना समझाया इन सारी चीजों से. और किस तरीके से समझाया? कि ये जो सारे एलिमेंट्स हैं ये एक लॉजिकल ऑर्डर के अंदर रखे हुए हैं. अगर ये सारे के सारे मॉडल्स मॉडल के जो एलिमेंट्स हैं ये लॉजिकल ऑर्डर में नहीं होंगे तो आपको ये बात समझ में आनी थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी. अब दाल का एग्जांपल ले लें, दाल बनानी है, प्रेशर कुकर गैस पे डाल दो, उसके अंदर दाल डाल दो, नमक और हल्दी बाद में ले लेना, फिर गैस ऑन कर दो, फिर सीटी का वेट करो और फिर पानी डाल देना और फिर आप नमक और हल्दी डाल दो एंड में. तो इसका कोई लॉजिक नहीं बैठ रहा है, आप समझ रहे हो? सो दिस इज नॉट अ मॉडल, दिस इज समथिंग व्हिच इज रॉन्ग. तो कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर जो मॉडल्स होते हैं वो सारे एलिमेंट्स को ऑर्गेनाइज करते हैं और कम्युनिकेशन जो खुद है, जो कम्युनिकेशन का मॉडल खुद है, वो इस तरीके से ऑर्गेनाइज करता है कि आप एक तरीके से एंड में आप एक रीजनेबल क्वेश्चन पूछ सकते हैं एक बार आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाए तो. अगर आप एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं और आप उसको एक सस्टेनेबल और रीजनेबल मॉडल के थ्रू कम्युनिकेट करते हो तो आपको चांसेस ये भी हैं कि आपको ये भी पता पड़ जाए कि वो जो कम्युनिकेशन है उसके अंदर क्या प्रिडिक्टेबल आंसर आ सकता है, क्या प्रिडिक्टेबल इफेक्ट हो सकता है उसका पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर, है ना. तो कुछ मॉडल्स हैं कम्युनिकेशन के जिनके बारे में अपन बात करेंगे. According to Aristotle, communication has three ingredients: speaker, speech, and audience. Speaker, वो बंदा जो बोल रहा है. Speech, जो भी भाषा को इस्तेमाल करते हुए speaker
अपनी बात बोल रहा है, वो उसकी स्पीच होगी। और ऑडियंस, ऑडियंस वो लोग हो गए जो कि उस बात को सुन रहे हैं। शैनन वीवर का 1949 का जो मॉडल था वो एरिस्टोटल के मॉडल के ऊपर बना हुआ है। उसके हिसाब, उनके हिसाब से, शैनन एंड वीवर के हिसाब से क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं इसके? सोर्स, ट्रांसमिटर, सिग्नल, रिसीवर एंड डेस्टिनेशन। कंपेयर्ड विद द एरिस्टोटेलियन मॉडल, द सोर्स इज द स्पीकर, द सिग्नल इज द स्पीच एंड द डेस्टिनेशन इज द ऑडियंस। देर आर टू मोर इंग्रीडियंट्स, ट्रांसमिटर विच सेंड्स आउट द सोर्सेज मैसेज एंड रिसीवर विच कैचेज द मैसेज फ्रॉम द फॉर द डेस्टिनेशन। रेडियो एग्जाम्पल अगर तुम ले लो, रेडियो के उस तरफ बैठने वाला बंदा जो स्टूडियो में बैठता है वो तो आपका सोर्स हो गया, वो आपका स्पीकर हो गया, जो वो बात बोल रहा है वो आपके सिग्नल हो गए। लेकिन उस बात को वो ट्रांसमिट कैसे कर रहा है? वो रेडियो वेव्स के थ्रू कर रहा है। तो ट्रांसमिटर आपकी रेडियो वेव्स हो गई, सिग्नल जो आपकी उसकी स्पीच है, जो गाने हैं वो हो गए। रिसीवर क्या हो गया? रिसीवर जो यहाँ पे रेडियो का जो बॉक्स होता है, रेडियो बॉक्स, वो आपका रिसीवर हो गया और डेस्टिनेशन आपके सुनने वाले हो गए। अकॉर्डिंग टू बेल्लो 1960, द मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन कंसिस्टेड ऑफ सोर्स, एनकोडर, मैसेज, चैनल, डिकोडर एंड रिसीवर। कोड इज अ सिस्टम ऑफ सिग्नल्स फॉर कम्युनिकेशन। एनकोड मीन्स टू पुट अ मैसेज इन टू अ कोड और साइफर। चैनल मीन्स द मीडियम थ्रू विच द सिग्नल मूव्स। The decoder means which converts the message in the code into ordinary language which may be easily understood. He further elaborated that all human communication has some source, some person or group of person with this, with a purpose. The purpose of a source has to be expressed in the form of a message. The communication encoder is responsible for taking the idea of the source and putting them in a code, expressing the source's purpose in the form of a message. A channel is a medium, a carrier of the message. For communication to occur, there must be somebody at the other end who can be called the communication receiver or the target of the communication. Is case mein kya ho raha hai? Is case mein jo कोडिंग सिस्टम है, जैसे आपने आर्मी में देखा होगा, आर्मी में जब हम मैसेज एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे भेजते हैं तो उस केस में जो एनकोडर होता है वो मैसेज को इस तरीके से एनकोड करता है कि अगर वो किसी के हाथ भी लग जाए तो हर एक जने को वो चीज समझ में नहीं आए। उससे क्या होगा? मैसेज जो है वो सेफ रहेगा। यह आपका एनकोडर हो गया। जब वो मैसेज अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है तो डिकोडर उसको डिकोड करता है और फिर उसको उस लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है जिससे कि वहां पे जो लोग हैं उनको वो समझ में आ जाए। अब एक चीज ऐसी होती है कि भाई कम्युनिकेशन जब होता है तो कम्युनिकेशन में एक जना या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होंगे जिनको कम्युनिकेट करना होता है। तो इस केस में अगर जैसे अगर अपन एक स्कूल का एग्जांपल ले लें तो स्कूल में प्रिंसिपल होते हैं या फिर फैकल्टी होती है या मैनेजमेंट होता है। तो प्रिंसिपल सर एक इंडिविजुअल हो गए, एक फैकल्टी एक इंडिविजुअल हो गया, सारी फैकल्टी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हो गए, चेयरमैन प्रेसिडेंट ये इंडिविजुअल हो गए, मैनेजमेंट खूब सारे इंडिविजुअल्स हो गए। जब भी कम्युनिकेशन हो रहा होता है तो या तो एक बंदा कर रहा होता है या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स कर रहे होते हैं उस कम्युनिकेशन को। तो कम्युनिकेशन का जो पर्पस होता है वो होता है इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर। अब वो भले से एक जना करे चाहे खूब सारे जने करें,
दोनों केसेस के अंदर इंफॉर्मेशन को एनकोड करना जरूरी होता है। जरूरी नहीं है कि आप उसको साइफर में ही डालो, जरूरी नहीं है कि आप उसको इस तरीके से लिखो कि जो रिसीव कर रहा है सिर्फ उसे ही समझ में आए, लेकिन आपको किसी एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में लिखना तो पड़ेगा ना। तो ये जो चीज होती है ये आपकी एनकोडिंग में आ जाती है। अब प्रिंसिपल सर ने कुछ इंफॉर्मेशन दी, उसको जो प्रिंसिपल का पीए होता है वो टाइप करके मैनेजमेंट को या फैकल्टी को या स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करता है। तो इसमें एनकोडर आ गया, इसमें एनकोडर कौन हो गए, आपका जो पीए होता है वो हो गया। सेम केस में अगर स्टूडेंट को कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है वो मेल करता है, तो इसमें एनकोडर स्टूडेंट खुद ही हो गया। ठीक है, तो बर्लो का जो मॉडल था उसके अंदर ये छह चीजें थी जिसमें एनकोडर और डिकोडर ऐड हो गया। अकॉर्डिंग टू शराम 1961, द कम्युनिकेशन प्रोसेस इन्वॉल्व सोर्स, एनकोडर, सिग्नल, डिकोडर एंड डेस्टिनेशन। दिस मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन इज पर्टिकुलरली रेलेवेंट फॉर मास मीडिया, रेडियो के लिए। इन ह्यूमन कम्युनिकेशन इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वेदर पीपल कैन प्रॉपरली एनकोड और डिकोड द सिग्नल एंड हाउ दे इंटरप्रेट इट इन देयर ओन सिचुएशन। अभी एनकोडिंग और डिकोडिंग जो है ये भी सिचुएशन के ऊपर होती है। आपने बोला कि आज हम अपने घर पे बोला कि आज हम बाहर खाना खाने जाएंगे। भाई बाहर खाना खाने क्यों जाएंगे, कोई पार्टी है इसलिए जाएंगे, घर में गैस खत्म हो गई है। तो ये डिपेंड करता है कि सिचुएशन किस हिसाब से आप इंटरप्रेट कर रहे हो। मम्मी ने बोला कि भाई शाम को घर जल्दी आ जाना, हम शाम को बाहर खाना खाने जाएंगे। तो आपने उसको अपने हिसाब से लिया कि भाई आज तो कुछ कारण है, घर आए तो पता पड़ा कि गैस नहीं है इसलिए हम शाम को बाहर खाना जाने जा रहे हैं। तो आप ये बोल सकते थे दिन में पूछ लेते, तो जो डिकोडिंग होती, अगर मैसेज घर से प्रॉपर आया होता एनकोड होके कि गैस खत्म हो गई है इसलिए आज शाम को बाहर खाने खाने जाना है, तो हम सिचुएशन के हिसाब से उसके ऊपर एक्ट कर पाते। हम मम्मी को बोलते कि अच्छा मैं गैस ऑर्डर कर रहा हूँ, शाम तक पहुंच जाएगी। आप समझ रहे हो। The communication model forwarded by Liggins in 1963 has the following elements: communicator, message, channel, treatment, audience, and response. The task of communication, according to him, is to provide powerful incentives for change. Success at this task requires thorough understanding of the six elements of communication. A skillful communicator sending useful message through proper channel effectively treated to an appropriate audience that responds as desired. The idea is, Liggins ke hisab se, ye jitte bhi jane hain, ye sare ke sare us hisab se kaam karein, jisse ki information jo hai, wo desired effect cause karein. Rogers and Shoemaker, 1971. They thought of the communication process in terms of SMCRE model. The components are source for S, M for message, C for channel, R for receiver, and E for effect. According to them, a source sends a message. He sends the message via a particular channel. The channel is received by a particular receiver or an individual. And that message, after which is it is received, it causes some effect. Communication in extension may also be thought of as two-way stimulus response, SR. It is a particular situation in which the necessary stimulus is provided by the communicator, the extension agent, in the form of a message which produces certain response on the audience, the farmers, and vice versa. The favorable response by audience reinforce learning. Iska example agar hum dekhen to dar ka mahol jo hai, that is one good way of explaining this.